HbA1c 9.5 से रिड्यूस होकर 7.5 पे आ गया है, और शुगर भी तकरीबन नॉर्मल रेंज में, फास्टिंग जो है नियर अबाउट 100 है, और रैंडम पीपी जो है वो नियर अबाउट 150 है, लेकिन ट्राइग्लिसराइड जो मेरा 200 या 250 के से 200 से नीचे नहीं किसी तरह आ रहा। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, आवाज़ आ रही है मेरी? जी जी आ रही है। अच्छा जी, मेरी मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरी ट्राइग्लिसराइड को फ़र्क नहीं पड़ा, काफ़ी महीने से मैं फॉलोअप कर रहा हूँ आपको। HbA1c 9.5 से रिड्यूस होकर 7.5 पे आ गया है, और शुगर भी तकरीबन नॉर्मल रेंज में, फास्टिंग जो है नियर अबाउट 100 है, और रैंडम पीपी जो है वो नियर अबाउट 150 है। बाद का फ्लक्चुएशन आ जाती है, लेकिन पल्सेस बिल्कुल नहीं ले रहा, और ये फ्रूट्स बिल्कुल नहीं, मैं इनको अवॉइड कर रहा हूँ, सिर्फ वेजीज नॉन वेजीज पे चल रहा हूँ, और ग्लाइसमिक इंडेक्स का खास ख्याल करके विद इन 25 की लिमिट को तो बड़े सीरियसली फॉलोअप कर रहा हूँ। सारी टीम आपकी मुझे बड़े अच्छे तरीके से कॉपरेट कर रही है, गाइडलाइन दे रही है, लेकिन ट्राइग्लिसराइड जो मेरा 200 या 250 के से 200 से नीचे नहीं किसी तरह आ रहा। आपका पहले सर बॉडी वेट कितना था? हाँ ये जरूर, ये मेरा बॉडी वेट तकरीबन 20 kg रिड्यूस हुआ है, 111 से 92 पे तकरीबन आया अब इस वक्त। हाँ, तो इसमें क्या ये होता जरूर है? रिड्यूस हुआ। हाँ, ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है, इवन बाकी सब लोग भी ध्यान से सुने, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हमारी बॉडी में जो फैट है वो ट्राइग्लिसराइड्स की फॉर्म में फैट सेल्स के अंदर स्टोर होता है, और जब हम ये लो ग्लाइसेमिक लोड वाला डाइट का पैटर्न फॉलो करना शुरू करते हैं तो फैट वहां सेल से ब्रेक डाउन होके ब्लड के रास्ते से लीवर में जाता है, और लीवर उसको फिर ब्रेक करता है और एज ए एनर्जी यूज करता है। तो जब ये वेट लॉस की प्रोसेस चल रही होती है तो ट्राइग्लिसराइड अगर हम ब्लड में चेक करेंगे तो हमें लेवल थोड़े बढ़े हुए दिखाई देंगे, क्योंकि वो ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं। तो जैसे जैसे आप अपने आइडियल बॉडी वेट पे आएंगे, 10-20 किलो और आपका मान लीजिए 75-80 के आसपास आपका वेट आ जाएगा और फैट सेल्स ज्यादा नहीं बचेंगी, तो फिर ये ट्राइग्लिसराइड ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। तो ट्राइग्लिसराइड अभी अगर ज्यादा दिख रहा है, दैट इज एन इंडिकेशन कि वो ब्लड में फ्लो कर रहा है और बॉडी उसको यूज कर रहा है, एंड दैट इज गुड विद द वेट लॉस। सो आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं, दिस इज गोइंग वेल। ओके, वेरी नाइस, वेरी नाइस। वैसे आपका जो कॉन्सेप्ट है वो उससे सबको किसी ना किसी दर्जे में जरूर फायदा मिल रहा है, किसी को कम किसी को ज्यादा, और अक्सर तो रिवर्स में आ गए। लेकिन जो भी पेशेंट आपके साथ चल रहा है, आपको फॉलोअप कर रहा है, बड़ा होपफुल हुआ है और उससे समझे एक नई जिंदगी का चांस मिल गया। तो दैट्स अ थैंक यू फॉर दिस। थैंक यू सर, थैंक यू।